आपका जो वाईफाई कनेक्शन है वो गुड इंटरनेट स्पीड प्रोवाइड नहीं कर रहा है, या आपका जो वाईफाई है वो आपका स्लो है, स्पेशली लैपटॉप और डेस्कटॉप यूजर्स लुक के लिए, तो ये वीडियो आप ही के लिए स्पेशली होने वाला है। आपको सबसे पहले तो अपने रन प्रोग्राम को ओपन कर लेना है। रन प्रोग्राम को ओपन करने के लिए आपको अपने कीबोर्ड में विंडोज प्लस आर बटन को प्रेस करना है और आपका जो रन प्रोग्राम है आपके सामने ओपन हो जाएगा। अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे कमांड आपको यहाँ पे टाइप करना है। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ncpa.cpl, आपको ये कमांड को आपको यहाँ पे टाइप करना है और आपको इसे ओके यहाँ पे प्रेस करना है। और आप यहाँ पे देखोगे आपके सामने नेटवर्क कनेक्शन से रिलेटेड कुछ इस तरह आपके सामने इंटरफेस शो हो जाएगा। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको दो ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, वाईफाई का और इंटरनेट का। आप अपने इंटरनेट को किसी के थ्रू आप यूज कर रहे हो, इंटरनेट के थ्रू आप यूज कर रहे हो या आप वाईफाई के थ्रू आप यूज कर रहे हो, तो आपको सिंपली करना क्या है कि आपको आप जिसके थ्रू आप यहाँ पे यूज कर रहे हो आपको करना क्या है कि आपको उस पर राइट क्लिक करना है। राइट क्लिक करने के बाद और आपको उसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। जैसे मैं अपने यहाँ पे वाईफाई के प्रॉपर्टीज में चला जाता हूँ और प्रॉपर्टीज में आने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे प्रॉपर्टीज यहाँ पे ओपन हो चुका है वाईफाई का। और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपके सामने कॉन्फ़िगर का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, बटन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पर क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद और आपके सामने कुछ इस तरह का पॉपअप शो होगा और आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे एडवांस्ड का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस एडवांस वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद अब आपको करना क्या है कि यहाँ पे आपको प्रॉपर्टी का ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है यहाँ पे, जैसे मैं आपको बताता हूँ, फैट चैनल इंटॉलरेंट। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको फैट चैनल इंटॉलरेंट का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा ये डिसेबल्ड है, तो आपको यहाँ पे इसे इनेबल्ड कर लेना है। इसे इनेबल्ड करने के बाद आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे एक और ऑप्शन को आपको यहाँ पे फाइंड आउट करना है, रोमिंग एग्रेसिवनेस। जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे ये ऑप्शन आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा रोमिंग एग्रेसिवनेस का, तो आपको करना क्या है कि आपको इसे भी सिलेक्ट करना है। और सिलेक्ट करने के बाद जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे वैल्यू में यहाँ पे मीडियम है, तो आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ये दोनों ऑप्शन में से आपको इन दोनों ऑप्शन में से कोई भी आप ऑप्शन सेलेक्ट कर सकते हो, लो या मीडियम लो, तो आपको इन दोनों ही ऑप्शन को यहाँ पे सिलेक्ट करना है, वन टू को। जैसे मैं यहाँ पे मीडियम लो को यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। मीडियम लो को सिलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको अब इसे ओके कर देना है। तो गाइस जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे मेरा जो वाईफाई है यहाँ पे ऑटोमेटिकली रिकनेक्ट हो गया है। अगर बाय द वे आपका रिकनेक्ट नहीं होता है तो आपको यहाँ से जाकर अपने वाईफाई को कनेक्ट कर लेना है, रिकनेक्ट कर लेना है। और रिकनेक्ट करने के बाद और आपको करना क्या है कि अब आपको यहाँ पे इस वाईफाई की प्रॉपर्टीज में आपको वापस से जाना है। जैसे मैं यहाँ पे इसके प्रॉपर्टीज में वापस से जाता हूँ। प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि जैसे आप यहाँ पे देखोगे यहाँ पे आपको इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन का आपको यहाँ पे एक ऑप्शन देखने को मिलेगा, इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 TCP/IP v4 का आपको यहाँ पे ऑप्शन देखने को मिलेगा, तो आपको इस पे मतलब इसे सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको इसके प्रॉपर्टीज में चले जाना है। और प्रॉपर्टीज में जाने के बाद अब आपको करना क्या है कि आपको यहाँ पे ये ऑप्शन को आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है। सेकंड नंबर ऑप्शन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा यूज दी फॉलोइंग DNS सर्वर एड्रेसेस, तो आपको इस ऑप्शन को सेलेक्ट करना है। सेलेक्ट करने के बाद आपको यहाँ पे वैल्यू यहाँ पे पुट करना है 8 8 8, और यहाँ पे भी आपको 8 यहाँ पे वैल्यू डाल देना है। और यहाँ पे भी मैं यहाँ पे वैल्यू पुट कर देता हूँ 8 8, और यहाँ पे आपको 4 and 4 आपको ये वैल्यू के यहाँ पे पुट कर देना है। पुट करने के बाद आपको इसे ओके करना है और यहाँ पे इसे क्लोज कर लेना है। क्लोज करने के बाद आपको इसे भी क्लोज कर लेना है और आपको अपने सिस्टम को एक बार रीस्टार्ट कर लेना है। जैसे आप यहाँ से जाकर आप यहाँ से अपने सिस्टम को रीस्टार्ट कर सकते हो। और रीस्टार्ट करने के बाद आपको अपने वाईफाई को अपने उसी वाईफाई को कनेक्ट करना है। कनेक्ट करने के बाद आपको वहाँ पे वाईफाई का जो परफॉर्मेंस है आपको वहाँ पे बेटर आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। पहले के मुकाबले जो स्पीड है वो आपका इंक्रीज हो जाएगा। आपको वहाँ पे जो वाईफाई का कनेक्शन है आपको वहाँ पे परफॉर्मेंस आपको वहाँ पे बेटर देखने को मिलेगा। तो गाइज मैं फिर मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन एंड बाय। और एक बात और, सब्सक्राइब बटन पे 2-3 फैट लगा दीजिएगा जिससे सब्सक्राइब हो जाए और घंटी वंटी गिर जाए।